हमारा अगला सवाल है। नमस्ते, मेरा नाम है विपिन, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मेरा सवाल है, वाताग्र क्या है? चक्रवात निर्माण में वाताग्र की क्या भूमिका है? वाताग्र शब्द से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। वात प्लस अग्र जी। वाताग्र यानी दो तरह की पौने हैं और दोनों एक दूसरे की ओर आपस में मिल रही हों, तो दोनों ओर के उन पवनों का अग्रभाग वाताग्र कहलाता है। वात का मतलब होता है वायु, इसलिए दो तरह की ठंडी और गर्म पवने जब एक साथ आकर के आमने सामने टकराती हैं, मिलती हैं, संयोग होता है, तो इस तरह से उसको हम वाताग्र का नाम देते हैं। और ये वाताग्र चक्रवात से संबंधित होता है, लेकिन चक्रवात भी जो भारत में आते हैं इस तरह के चक्रवात से उसका संबंध नहीं है, बल्कि एक उष्ण शीतोष्ण कटिबंध का चक्रवात है ये। अच्छा। शीतोष्ण का मतलब होता है वह भाग जहाँ शीत और उष्ण दोनों ही प्रकार की पवने आपस में आकर के आमने सामने होती हैं। खास करके ध्रुवीय प्रदेशों से आने वाली पवने सर्द होती हैं, जो दक्षिण की ओर है। मैं उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूँ, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी पैसिफिक ओशन में जो पवने होती हैं वो आपको गर्म होती हैं। इसलिए ध्रुवों की ओर से आने वाली पवने और गर्म पवने जो कि आपको दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही होती हैं, दोनों के टकराव बिंदु पर एक तरह का वाताग्र का निर्माण होता है। अब ऐसे में होता क्या है, वाताग्र भी दो तरह के होते हैं, एक तो जिसमें कि उष्ण पवन का ज्यादा प्रभाव हो और दूसरा जहाँ पर शीत पवन का ज्यादा प्रभाव हो। आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिने साइड में आपको भी पता होगा कि जब पवने चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी इंगित दिशा से दाहिने की ओर मुड़ करके चलती हैं, जिसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। वैसे इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवने अपने इंगित दिशा से दक्षिण की दाहिने की ओर मुड़ करके चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाएं की ओर मुड़ करके चलती हैं। चूंकि उत्तरी उत्तर से आ रही हैं, ध्रुवों से आ रही हैं, तो ध्रुवों से आने वाली पवने जो होंगी वो अगर आपका फेस नॉर्थ की ओर है तो लेफ्ट साइड में आपको वो ठंडी पवनों का प्रभाव ज्यादा होगा, दाहिने की ओर आपको गर्म पवनों का होगा। और जब यहाँ पर टकरा करके इस तरह से दोनों मिलती हैं तो उस तरह से वो ऑक्लूडेड फ्रंट का निर्माण करती हैं और इस तरह से वहां पर ये चक्रवात आता है।